जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े पंचायत के दौरान प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भुना। घटा कांडी थाना क्षेत्र के है, जहां जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव के अपराधियों ने खदेड़ कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। वहीं गोलीबारी कर रहे अपराधियों में से एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने घेर कर दबोचा और भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को भीड़ से मुक्त कराया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहीं अपराधियों की गोलीबारी का शिकार हुए जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। कांडी थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके के रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद गुप्ता के घर एक जमीन मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई थी, जहां किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते बात बिगड़ गई। पंचायत के बाद कुछ अपराधियों ने पवन श्रीवास्तव को खदेड़ना शुरू कर दिया। युवकों के हाथ में हथियार को देखकर प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव भी भागने लगा, लेकिन करीब आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से पवन की मौके पर ही मौत हो गई। एक जमीन के कारोबारी है पवन कुमार श्रीवास्तव जी, उनको विनोद गुप्ता नाम का एक जमीन का कारोबारी ही बुलाया था पंचायती के लिए, और इसके बाद वो रमन वगैरह मिल करके उसको गोली मार के हत्या कर पंचायती के दौरान ये घटना। हाँ, पंचायती के लिए विनोद गुप्ता बुलाए थे, सबों का जमीन के संबंधी विवाद है। कितनी गोलियां मारी गई? 5 गोली का लोग बता रहे हैं, लोग जो है 5 गोली। जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े पंचायत के दौरान प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भुना। घटा कांडी थाना क्षेत्र के है, जहां जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव के अपराधियों ने खदेड़ कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं गोलीबारी कर रहे अपराधियों में से एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने घेर कर दबोचा और भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को भीड़ से मुक्त कराया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहीं अपराधियों की गोलीबारी का शिकार हुए जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। कांडी थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके के रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद गुप्ता के घर एक जमीन मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई थी, जहां किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते बात बिगड़ गई। पंचायत के बाद कुछ अपराधियों ने पवन श्रीवास्तव को खदेड़ना शुरू कर दिया। युवकों के हाथ में हथियार को देखकर प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव भी भागने लगा, लेकिन करीब आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से पवन की मौके पर ही मौत हो गई। एक जमीन के कारोबारी है पवन कुमार श्रीवास्तव जी, उनको विनोद गुप्ता नाम का एक जमीन का कारोबारी ही बुलाया था पंचायती के लिए, और इसके बाद वो रमन वगैरह मिल करके उसको गोली मार के हत्या कर पंचायती के दौरान ये घटना। हाँ, पंचायती के लिए विनोद गुप्ता बुलाए थे, सबों का जमीन के संबंधी विवाद है। कितनी गोलियां मारी गई? 5 गोली का तो लोग बता रहे हैं।